सभी लोगों की समस्या क्या है कि यार रोड सीलिंग लगती है 5 फीट 10 फीट 15 फीट गैप पर, और बहुत सारे कंट्रोलर ऐसे भी मार्केट में आए हैं, जैसे T1000 ले लीजिए, 8000 ले लीजिए, इस टाइप में वो अगर 10 फीट गैप या 15 फीट गैप अपन लगाते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों उसी का समाधान हम आपके लिए लेके आए हैं। ये मैंने लगा दिए हैं हर पट्टे को अलग अलग सर्किट। अब देखिए रोड सीलिंग में कैसी डिजाइन ये चल रही है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कुछ इस तरीके की डिजाइन जो है वो चलने वाली है आपके सेटअप में भी। हेलो लाइटिंग कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं रोड सीलिंग का वीडियो। तो यार ये रहा हमारा रोड सीलिंग का वीडियो, लेकिन यार हमारे पास लगाने की जगह नहीं है इसलिए इसको नीचे लगा रखा है। अब मान लीजिए ये रोड सीलिंग है। अब रोड सीलिंग में सभी लोगों की समस्या क्या है कि यार रोड सीलिंग लगती है 5 फीट 10 फीट 15 फीट गैप पर, और बहुत सारे कंट्रोलर ऐसे भी मार्केट में आए हैं, जैसे T1000 ले लीजिए, 8000 ले लीजिए, वो वाले कंट्रोलर जो है वो एस टाइप या जेड टाइप पे चलते हैं और पैरेलल में भी चलते हैं, लेकिन पैरेलल में लेफ्ट राइट डिजाइन चलती है, और एस टाइप में वो अगर 10 फीट गैप या 15 फीट गैप अपन लगाते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों उसी का समाधान हम आपके लिए लेके आए हैं। अब आती है बात कि हम इसमें क्या करेंगे। तो हमारे पास दोस्तों सीक्वेंस वाले कंट्रोलर जो वो मिलेंगे, वीडियो में आगे आपको बताऊंगा मैं कैसे कंट्रोलर हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। डिजाइन का वीडियो भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस कंट्रोलर की खासियत क्या है। तो दोस्तों इस कंट्रोलर की सबसे पहली खासियत ये है कि ये चलते हैं पैरेलल में, हर पट्टे को अलग अलग सर्किट लगेगा और आप 1 से लेकर 20, 1 से 60, 1 से 40 या 100 जितनी मर्जी उतने सीक्वेंस जो है वो बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पर पहुंचा देगा और वहां से आप परचेज कर सकते हैं सीक्वेंस सेलेक्ट करके। ठीक है, अब बात रही कंट्रोलर की कि ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगी पैरेलल में एस टाइप डिजाइन, मतलब पैरेलल में इसके कनेक्शन होंगे और जो डिजाइन इसमें आने वाली है वो आएगी एस टाइप। अब एस टाइप क्या होता है भाई? एस टाइप का मतलब है कि लेफ्ट राइट अप डाउन सब आता है, जबकि ओरिजिनल पैरेलल जो होता है उसमें डिजाइन सिर्फ अप डाउन आती है। मतलब अगर आप इसमें पैरेलल सर्किट लगा देते हैं तो डिजाइन सिर्फ लेफ्ट और राइट दो तरीके से चलती है, चाहे उसमें कितने भी पैटर्न हो। मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूं। अब जो हम सर्किट इसमें लगाने वाले हैं दोस्तों, इसमें चलेगा आपका लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन, और इसमें भी मैं आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। तो यार इस वीडियो में मैं आपके लिए यही लेके आया हूँ और बताता हूँ कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी नंबरिंग होती है। तो चलिए पहले नंबरिंग आपको मैं दिखा देता हूँ कि नंबरिंग क्या होती है और लगाना कैसे है और काम कैसे करता है, वो मैं आपको वीडियो के इसके नंबरिंग के बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों ये रहे हमारे सर्किट। अब इसमें कैसे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रहा एक नंबर का सर्किट, इसको लगाना अपनी एक नंबर पे बेल्ट पे, और ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनके साथ में। दोस्तों अभी हमने एडाप्टर लगाए हुए हैं आपको दिखाने के लिए, आप चाहे तो सिंगल सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर एडाप्टर चाहिए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब यहाँ तक हमारी सीक्वेंस खत्म हो गई है 20 पर, और हमारे पास टोटल पट्टे भी अभी आपको दिखाने के लिए 20 है। ठीक है, यहाँ पर 15 है, 14 है, इसी तरीके से सीक्वेंस ये लगेगी। और इनकी सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको ऐसे ही इनको लगाना है, एक नंबर की बेल्ट पे एक नंबर का ही लगाना है और दो पे दो ही लगाना है। ठीक है, और इसको डीअटैच भी कर सकते हैं आप, मतलब आपके पास जो पुराने पट्टे हैं या तो आप उनमें इनको लगा लीजिए और बाद में खोल भी सकते हैं, और सादे वाले पट्टे भी इनमें बना सकते हैं। और ये जो सर्किट है दोस्तों 50 बल्ब, 100 बल्ब, 150 बल्ब और 300 बल्ब तक मिल जाएगा आपको एक सर्किट। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ये मान लीजिए कि 50 का खरीदेंगे तो वो 50 पे ही चलेगा, 100 का खरीदेंगे तो 100 पे ही चलेगा। तो चलिए ये सारे सर्किट में ले चलता हूँ हमारे सेटअप में, और यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सेटअप लगता है। तो मान लीजिए हमारा एक नंबर का पट्टा ये रहा, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एक नंबर और 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 20 तक ले जाकर के हम इसको एंड कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने लगा दिए हैं हर पट्टे को अलग अलग सर्किट। देखिए एक नंबर को अलग सर्किट लग रहा है, 2 नंबर को अलग है, 3 को अलग है, 4 को अलग है, ऐसे सबको अलग अलग सर्किट लगाए हुए हैं। अभी फिलहाल हमने जो है वो पावर सप्लाई की जगह एडाप्टर यूज़ किए हुए हैं, आप चाहे तो पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सब जगह को अलग अलग एक्सटेंशन लगा हुआ है, अलग अलग सप्लाई हमने सारे जो कंट्रोलर्स हैं इन सभी को दी हुई है, और सबके साथ अलग अलग सप्लाई यूज़ करने का मकसद ये है ताकि आप जो है सेम कंडीशन में भी इनको अलग अलग दूरी पर लगा पाएँ। मान लीजिए आपका जो सेटअप है वो लग रहा है 10 फीट गैप में, तो अगर आप एक सप्लाई यूज़ करते हैं तो उसमें आपको वायर बहुत ज़्यादा लगने वाला है और हेवी लगने वाला है, तो जितने रुपए का वायर लगेगा उतने में तो आपका एडाप्टर ला जाएगा, और ये जो है एडाप्टर दोबारा काम आने वाला भी चीज़ है। तो यार ये चीज़ है कि आपको इसमें समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और इसका प्लस पॉइंट बताता हूँ दोस्तों आपको कि ये हमने फ़िलहाल अभी यूज़ किए हैं 100 बल्ब, आप चाहे तो 50 बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्किट आपको उसी के हिसाब से पहले बताना पड़ेगा कि हमें 50 बल्ब यूज़ करने हैं
या हमें 100 बल्ब यूज़ करने हैं, या हमें 150 या 200 जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। और जितने बल्ब लगेंगे उसके हिसाब से आपको सप्लाई लगानी है, उसी हिसाब से सप्लाई जो है वो लगने वाली है। तो अभी फ़िलहाल हमने यूज़ किए हैं 100 बल्ब। डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि हमने यूज़ किया है 10 एम्पियर का अडाप्टर। आपके कंट्रोलर का जो पावर है वो 1 एम्पियर लगने वाला है, और उसी हिसाब से आपको सप्लाई लगानी है कि आपके सारे कंट्रोलर को सफिशेंट हो जाए। अभी फ़िलहाल हमने जो लगाया हुआ है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। हमारे पास रोड सीलिंग नहीं है इसलिए, बाकी ये जो पट्टे हैं हमने 6 इंच पे लगाए हुए हैं। इनको आप 10 फीट में लगाइए, 100 फीट में लगाइए, 1000 फीट में लगाइए, ये सेम ही चलने वाले हैं। बस शर्त एक ही होनी चाहिए कि जितने भी आप पावर सप्लाई इसमें यूज़ कर रहे हैं वो सारी एक ही कंपनी की होनी चाहिए। देखिए 100 बल्ब हमने यूज़ किए हैं, पूरी डिज़ाइन भी दिखाऊंगा किस तरीके से है, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं दिखा देता हूं इनमें आपको कैसे ऑर्डर करना है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फर्स्ट वाला लिंक जो रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जाकर के आपको सेलेक्ट करना है रोड सीलिंग का सर्किट। ओके, रोड सीलिंग के सर्किट में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको 50 बल्ब का चाहिए या 100 बल्ब का चाहिए, 150 या 200, कितने बल्ब का सर्किट आपको चाहिए। और उसके बाद आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है कि आपको कितने सर्किट चाहिए, 20 का सेट चाहिए, 40 का सेट चाहिए, 40 का चाहिए, 100 का चाहिए, 60 का चाहिए, कौन सा वाला सेट आपको इसमें चाहिए। और दोस्तों सबसे खास बात मैं आपको इस सर्किट की बता दूं कि मान लीजिए कभी आपका एक सर्किट ख़राब हो जाता है, जैसे मान लीजिए अभी 9 नंबर का आपका जो सर्किट है वो ख़राब हो गया, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ 9 नंबर का सर्किट भी जो है वो बाद में हमसे परचेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, बस सर्किट की समस्या ये है कि आपको व्हाट्सअप से ऑर्डर करना पड़ेगा, बाकी वेबसाइट पर आपको पूरा सेट ही मिलेगा। और व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब देखिए रोड सीलिंग में कैसी डिज़ाइन ये चल रही है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन जो है वो चलने वाली है आपके सेटअप में भी। फिलहाल हम यहाँ पर 20 पट्टे यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो 100 बल्ब का 50 पट्टे, 50 बल्ब के 100 पट्टे, जैसा सीक्वेंस आप चाहेंगे वैसा सीक्वेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको भी इसकी डिज़ाइन दिखा देता हूँ और मिलते हैं हम वीडियो के आखिरी में।